हेलो एंड वेलकम टू माय रोड ट्रिप्स। तो चलिए आज सैर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहब की करते हैं। हेमकुंड साहब जो है गुरुद्वारा हेमकुंड साहब, ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और सिखों का ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर आना हुआ था और 1960 के दशक में इस गुरुद्वारे को फिर ठीक करके बनाया गया। तो चलिए सैर करते हैं और दर्शन करते हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की। यह है सिखों की पवित्र स्थली हेमकुंड साहिब। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यहीं पर है और ये झील जो आप देख रहे हैं हेमकुंड लेक, ये गुरुद्वारे की ठीक बगल में है। चमोली जिले में उत्तराखंड के ये पवित्र स्थल लगभग 15,197 फीट की ऊंचाई पर यानी 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 7 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है जिसपे सदैव बर्फ जमी रहती है। दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर जब आप आएंगे तो ऋषिकेश या हरिद्वार में आप पहला पड़ाव अपना लेंगे और उसके बाद गोविंद घाट आप पहुंचते हैं। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर एक जगह है जहां से फिर आप आगे हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। तो पहले आता है घांघरिया या गोविंद धाम और बीच बीच में जब मौसम साफ होता है तो आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिल जाएगी जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। श्री हेमकुंड साहिब आने के लिए आप हमेशा एक चीज याद रखें, ये गुरुद्वारा है देखिए हेमकुंड साहिब का दृश्य और इसके पीछे लंगर चलता रहता है जहां पर गर्म खिचड़ी और चाय वगैरह जो श्रद्धालु आते हैं उनको दी जाती है। 2 बजे तक का यहाँ समय है जब आप घांघरिया से जो बेस कैंप है श्री हेमकुंड साहिब आने का, वहां से आपको पैदल ट्रैक करके आना पड़ता है। ट्रैकिंग है लगभग 6 किलोमीटर की घांघरिया से ऊपर। तो वहां पर आप घांघरिया तक गोविंद घाट से जब आप आएंगे तो आप पोनी यानी कि टट्टू से भी आ सकते हैं, खच्चर यहां पर चलते हैं उन पर भी आप आ सकते हैं अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं। यहां पर जो पवित्र हेमकुंड साहिब के पास ये झील है इसमें लोग स्नान करते हैं, बिल्कुल बर्फ का पानी है बर्फीला। मौसम यहाँ हमेशा खराब बना रहता है, साफ मौसम बहुत कम, आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको साफ मौसम दिखेगा। तो श्री हेमकुंड साहिब जब भी आए गर्म कपड़े लेकर आए और साथ में बरसाती जरूर रखें, साथ ही साथ थोड़ी सी दवाएं आप हमेशा लेके चलें जिसमें उल्टी की, वॉमिट की, लूज मोशन, वर्टिगो या डिजीनेस यानी कि जब पहाड़ पे चक्कर आता है उसकी, और फीवर की मेडिसिन आप अपने साथ जरूर रखें। साथ में जो आप सामान लाएं बहुत हल्का लाएं क्योंकि पग पग चलना यहां पर दूभर हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इतनी ऊंचाई पर। और यहां पर वैसे भी एक मेडिकल का यहां फैसिलिटी है, जो यात्री आते हैं अगर कोई असुविधा हो तो यहां पर उनकी मेडिकल के लिए भी यहां पर बना हुआ है और भंडारा चलता रहता है जहां पर चाय और खाना आपको दिया जाता है लंगर में। साथ ही साथ यहां पर चूंकि मौसम खराब बना रहता है तो 2 बजे के बाद यहां पर किसी भी पर्यटक को रुकने की इजाजत नहीं है। हेमकुंड साहिब से आपको वापस घांघरिया की तरफ जिसको गोविंद धाम भी कहते हैं लौटना पड़ता है। तो 2 बजे तक का यहां समय, आप अर्ली मॉर्निंग घांघरिया से चलना शुरू कर दें और गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद देखिए चारों तरफ किस प्रकार से बादल लगे हुए और अगर आप साथ में मिनरल वाटर या पानी जो लेके चलते हैं उसमें थोड़ा नींबू और नमक जरूर डाल लें और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो थोड़ी चीनी जरूर डाल लें क्योंकि डिहाइड्रेशन होने लगता है। जैसे केदारनाथ में आप जाते हैं चलते हुए, वहां पर श्री केदारनाथ में भी ऐसा ही होता है, अधिक ऊंचाई पर 14,000-15,000 फीट पर जब आप आते हैं शरीर में पानी की कमी होने लगती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप थोड़ी थोड़ी देर में ये पानी पीते रहें। और कब्रें जो हैं घांघरिया में गोविंद घाट में आप ऑनलाइन बुकिंग करके दिल्ली से ही चलें क्योंकि बाद में जब सीजन का समय होता है जून में कपाट खुल जाते हैं इसके, मई के अंतिम सप्ताह में या जून में, ये तिथि के हिसाब से डेट के हिसाब से होता है और बर्फ अक्सर गिर जाती है और डेट हमेशा अखबार में समाचार पत्रों में आ जाती है यहां पर। तो गोविंद घाट से जब आप ऊपर आएंगे तो अपने साथ दवाएं वगैरह रखें और पतली जो एक बरसाती होती जरूर रखें क्योंकि बूंदाबांदी यहां अक्सर हो जाती है। देखिए समय भी मौसम खराब है हेमकुंड साहिब में। और 60 के दशक में यहां मेजर जनरल थे हरकिरत सिंह जी, इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी के, उन्होंने फिर इस गुरुद्वारे को वापस ठीक से बनाया इसको। और लगभग 500 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से गोविंद घाट की, 9 किलोमीटर ट्रैक करके आप घांघरिया पहुंचते हैं गोविंद धाम पहले। तो ये दर्शन हेमकुंड साहिब के।
माय रोड ट्रिप्स पर। गोविंद भाई के सौजन्य से ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।